Hi guys, welcome to Cine Speaks. मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन आइडल 12 से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। इंडियन आइडल 12 में सभी का जो सफर है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है और ये बढ़ने वाले हैं अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ। चाहे हम चारों कंटेस्टेंट्स की बात करें, सभी बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स हैं। साइली की बात करें, दानिश की बात करें, अरुणिता या पवनदीप, चारों को सिलेक्ट किया गया है यूके जाने के लिए और चारों ही बहुत बेहतरीन सिंगर्स हैं। अब जो है यूके टूर में कुछ चेंजेस जो हैं काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि आ रही थी और अब और एक चेंज आया है। जो इनका यूके में परफॉर्मेंस होने वाला था 28 अगस्त को, अब वो शिफ्ट होके 29 अगस्त को इनका पहला शो होगा। ये बात कन्फर्म हो चुकी है। इसके बाद इनका दूसरा परफॉर्मेंस जो है वो लीस्टर में होगा, ठीक है। और इसके बाद अब इन्हें और एक अपॉर्चुनिटी शो करने की मिल चुकी है और ये होगा अगले दिन संडे को और ये होने वाला है ब्लू रूम लंदन में। तो ये तीन चीजें अब हमारे ये चार होनहार कंटेस्टेंट्स के लिए सेट हो गई है इनके प्रोफेशनल करियर में। इनकी एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से देखरेख जो इनकी कर रहे हैं वो एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वही इन्हें शोज दिलवाएंगे, वही इन्हें इनकी सारी जो चीजें हैं वो इन्हीं के थ्रू होने वाली हैं। तो इस तरह से ये अपना प्रोफेशनल कदम बढ़ाएंगे और जो है हम देख सकते किस तरह से कंटेस्टेंट्स को पहले ही जो है काफी सारा एक्सपोजर मिल चुका है इंडियन आइडल के स्टेज पर। एल्बम्स में इन्होंने गाया है, अरुणिता, पवनदीप, सवाई और दानिश ने। तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा ये अपने प्रोफेशनल लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इन चारों को यूके देखने के लिए, यूके में देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिने स्पीक्स।